हाय गाइस, तो मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए। इस बार मैंने सोचा है कुछ एकदम ही अलग किया जाए, तो इस बार गेम प्ले की बजाय है एक टिप्स की वीडियो जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी कम लोगों को इंडिया में ये बात पता है जो भी मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अलग ही प्रो हूँ कि मुझे ज़्यादा पता है आप लोगों को कम पता है, लेकिन कोई कोई चीज़ें होती हैं जो आप फिगर आउट नहीं कर पाते और कोई और कर लेता है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टिप नंबर वन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक रेज है और सामने आपके ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये बंदा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका अपना जो रिज का है ये एडवांटेज लेना है। ठीक है, तो रिज का एडवांटेज कैसे लेंगे? अब मानो मैंने क्राउच करा, अब मैं जब एडीएस कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है वो मेरे को नहीं देख सकता, मतलब वो मेरे को बिना एडीएस के भी नहीं देख सकता। मुझे ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे कि वो मुझे देख सकता है, लेकिन जब मैं एडीएस कर रहा हूँ तो कन्फर्म हो जाता है कि मैं उसे नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका एडवांटेज किस तरह ले सकता हूँ? मैं खड़ा हुआ, मैंने शूट किया, मैं वापस से क्राउच हो गया, खड़ा हुआ शूट किया वापस से क्राउच हो गया। तो जब ऐसा होगा ना तो उसको ऐसा देखेगा बस बंदा खड़ा हो रहा है, शूट कर रहा है, क्राउच हो रहा है, और उसको फिर मैं दिखूंगा नहीं मेरी पोजीशन क्या हुई। अब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में तो एंजॉय कर रहा हूँ, अब ये आप थोड़ा मूव करके भी कर सकते हो तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप बार बार कहाँ से पीक करके मार रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि काफ़ी कम लोग को पता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिप है टीपीपी के बारे में। आप जहाँ पे देख रहे हो आप जैसे गन ग्लिच हो रही है, मेरी सामने से कोई बंदा कर रहा है अगर टीपीपी ले रहा है तो गन उसको दिख रही है क्लियरली। तो इसको चेंज करने के लिए ना हम एक काम कर सकते हैं, अब M249 है जैसे वो दिख रही है तो उसको हम लोग कर देंगे M4 से स्विच। तो अगर हमने मान लो स्विच कर दिया इसको, जैसे कि अभी स्विच किया, ठीक है, तो स्विच करने के बाद तो अब दिख नहीं रही, तो अब मैं आराम से यहाँ पे टीपीपी लेके देख सकता हूँ कि भाई बंदा कहाँ है। उसको सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई टीपीपी ले रहा है, और जब भी वो आया मैं पीक करके या फिर उसके सामने आके उसको क्राउच फायर या प्रोन फायर जो भी करना है मैं उसको ईजिली मार दूंगा। अब हमारी टिप रिकॉयल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो M4 और 6X का स्प्रे दिखाऊंगा मैं आप लोग को। तो ये अराउंड डिस्टेंस है 100 मीटर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले करते हैं अपन 6X स्प्रे नॉर्मल विदाउट पीक क्राउच कुछ भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे करा, काफ़ी बुलेट स्प्रेड हो रहा है, ठीक ठाक है, मतलब काम चला हुआ है। ठीक है, अब मैं करूँगा पीक स्प्रे। पीक स्प्रे से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब क्राउच एंड पीक देखना, क्राउच एंड पीक किया तो काफ़ी कम बुलेट स्प्रेड हो जाता है और काफ़ी ईजी हो जाता है रिकॉयल कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ होती है ये वाली। ठीक है, अभी मानो मैं यहाँ पे हो गया प्रोन, अब मैं स्प्रे करके दिखाऊंगा तब देखना। वर्टिकल रिकॉयल तो है ही नहीं गन में, और हॉरिजॉन्टल रिकॉयल है जो कि अब वर्टिकल ग्रिप से कम नहीं होता, तो आप इसके लिए एंगल ग्रिप यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें वर्टिकल लगा रखी थी। ठीक है, तो ये प्रोन स्प्रे बहुत ही ज़्यादा सही होता है, मतलब लिटरली सामने वाला बंदा है वो बोल्ट एक्शन भी चला रहा है तो आप उसको स्प्रे करके मार सकते हो। अब मैं देखा M249 का स्प्रे 6X के साथ प्रोन होके, तो ये भी ठीक, मतलब काफ़ी बुलेट स्प्रेड है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मानो सामने तीन बंदे थे। ठीक है, आपने उस पर 100 गोलियाँ चलाई, उसमें से अगर तीनों में 30 भी लग गई तो बंदे तो तीनों के तीन मर जाएंगे ना यार। तो यहाँ पे गए तीनों के तीनों बंदे। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं एक बार M249 को क्राउच के साथ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ज़रा मैं साइड में हटता हूँ, और हाँ ये हो गए क्राउच और पीक। अब ये ऑब्वियसली प्रोन जितना इफेक्टिव नहीं है, प्रोन एंड शूट जितना, लेकिन क्राउच एंड पीक भी मतलब आप कभी कभी यूज़ कर सकते हो, हर सिचुएशन में आप प्रोन नहीं हो सकते ना, तो क्राउच एंड पीक भी काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे आती है जब आप ओम वाले बंदे को फेस कर रहे हो, सामने मानो ओम वाला बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे और आपके पास है AR M4 वगैरह का, स्प्रे करना चाह रहे हो आप। ठीक है, आप स्प्रे करोगे, मान लो सामने से उसने हेडशॉट दिया, आपका Level 3 हेलमेट तो जाएगा ही जाएगा, उससे अच्छा एक काम करो भाई हेलमेट हटा ही दो। ठीक है, उसका हेडशॉट लगेगा, हेलमेट जाना ही है, उससे अच्छा भाई अगर आप नॉक भी हो गए तो आपके आपका टीममेट आपको रिवाइव कर देगा, उसके बाद आपके पास एक फ्रेश Level 3 हेलमेट तो रहेगा विदाउट डैमेज वाला। ठीक है, तो ये वाली टिप आप अपन चलते हैं इसकी तरफ जो है TPP के बारे में। यहाँ पे जो पीक एंड ओपन स्कोप और पीक एंड फायर वाला ऑप्शन जो है, अब पीक एंड फायर क्यों ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगता है, क्योंकि पीक एंड फायर से आपका फील्ड ऑफ व्यू कम नहीं होता है और पीक एंड स्कोप से आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है गन की। तो आप देख रहे हो जैसे पीक एंड फायर से हमारा सेम फील्ड ऑफ व्यू रहेगा ऑब्वियसली, और मान लो दो बंदे भी आ गए तो आराम से हो जाएगा, लेकिन पीक एंड स्कोप में आपको उतनी जल्दी टारगेट स्विच करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होनी ही होनी है, और पीक एंड फायर से आप जल्दी से ऐसे मतलब शूट करके कवर में जा सकते हो, लेकिन पीक एंड स्कोप से उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग दीवार पे हैं, ठीक है, मैंने पीक एंड फायर करा, अब मानो बंदा मेरे को थोड़ा दूर दिखा, ठीक है, तो मैंने ओपन स्कोप भी कर दिया साथ में। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पीक एंड स्कोप ओपन स्कोप में कैसे, आपको पीक एंड मतलब ओपन स्कोप सॉरी मतलब आप पीक करोगे और आपका स्कोप भी ओपन हो ही जाएगा, और मानो आपके राइट से यहाँ पे पेड़ के पास कोई बंदा आ गया तो आप उतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाओगे, आपको दिखेगा भी नहीं होगी, फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है।
पीक एंड फायर से आप जल्दी ऐसे मानो कि यहाँ पे पेड़ था, उस आप जल्दी जल्दी स्विच करके राइट लेफ्ट पीक करके कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ये है स्काउटिंग के बारे में, ठीक है। अब मान लो आप स्काउट कर रहे हो, यहाँ पे कोई बंदा है क्या, और वो लेके बैठा है बोल्ट एक्शन, तो आपको हेड मार देगा। तो स्काउट करते टाइम में आप बार बार पीक करते रहो, मतलब अपना जो सर है वो हिलता रहेगा, ठीक है। तो उसको कभी भी क्लियर शॉट नहीं मिलेगा एक हेड शॉट आपको मारने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि सामने ओम वालों के टारगेट मिस हुए हैं। अब ये है, आपको मान लो घर पुश करना है, आपके पास कोई कवर नहीं है, आपको ओपन में भाग के जाना है, ठीक है। तो आप स्मोक करोगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे जब नॉर्मल अपने पास स्मोक करोगे ना, तो बंदे आपको रैंडम गोलियाँ चलाएंगे या फिर वो ग्रेनेड कर देंगे, तो आपके मरने के बहुत चांसेस है। तो आप एक काम करो ना, बंदे टीपीपी ले रहे होंगे तो उनका टीपीपी ब्लॉक कर दो यार। अब जैसे मैंने एक घर पे मार दिया एक, ठीक है, स्मोक एक लेफ्ट में मार दिया, एक राइट में मार दिया। अब उनका लिटरली सारा टीपीपी ब्लॉक हो गया। उनको अगर मारना है तो ओपन में आके मारना पड़ेगा हमको, तब होगी हमारी फेयर फाइट। अब ज़्यादा चाहिए तो एक नेड भी कर दो कि अगर बंदा कोई गेट वेट से बाहर आ रहा हो तो वहीं पे फट जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे, और ये मैंने देखा है काफ़ी कम लोग करते हैं। लोग अपने ऊपर स्मोक करते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर आगे करते हैं, ऐसे जाते रहते हैं। तो अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये है भाई वॉल ग्लिच के बारे में। जब आप ऐसे घर में बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं, मेरे ओपोनेंट को देखो, सामने वाले घर में एक बैठा हुआ है, अब उसकी हो रही है बार बार गन ग्लिच, तो हमें पता चल गया यहाँ पे बंदा बैठा है, ठीक है। इस चीज़ को रोकने के लिए ना आप एक ही चीज़ कर सकते हो, आप अपनी गन अंदर रख के टीपी पी लो, आपका सर ग्लिच नहीं होता ऐसे कभी। तो अब चलते हैं अपनी एक और नई टिप की तरफ। अब ये है फॉल डैमेज कैसे रोकना है। भाई आपने देखा मैं 3 स्टोरी से कूदा तो काफ़ी फॉल डैमेज लगा यार मुझे। अब मैं एक काम करता हूँ, नीचे कार रख देता हूँ, कार के ऊपर कूदता हूँ, तो ये देखो 0 डैमेज लगा मेरे को। अभी आप बोलोगे इतनी इफेक्टिव क्यों है, अब ये वाले टावर से ज़रा देखना क्या होता है, ठीक है। अब ये टावर पे आप काफ़ी बार चढ़ते होगे, लेकिन अगर आप नीचे स्पॉट हो गए और आप पे काफ़ी फायर आ रहा है, आपके टीममेट ने बोला भाई नीचे आ जा, अब नीचे जल्दी कैसे आओगे, तो आप ज़रा ऐसे आओगे, ये देखो ये स्टाइल है। ये आप नीचे आए 0 डैमेज। अब ट्राई करते हैं बिना कार के, ठीक है, क्या होता है। ये लगे अपने को, देखो अपनी कम से कम 80% हेल्थ चली गई है, 70-80%। अब ये ढंग से करना, नहीं तो आपके साथ ये होगा जो मेरे साथ हुआ अभी अभी, ठीक है। तो ये एक और ट्रिप नहीं बोल सकते, ये ग्लिच है, ये बोनस ग्लिच जो भी आपको करना है। अभी आप देखो मेरी फुटस्टेप की आवाज़ आपको क्लियरली आ रही होगी कि हाँ भाई बंदा भाग रहा है, ठीक है, मुझे मतलब मेरी खुद की फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई दे रही है, एनिमी को भी ऑब्वियसली दे रही होगी। तो भाई इसमें ग्लिच ये है ना कि आप मान लो आपने मॉली खोली, ठीक है, लो टॉस में करके भाग रहे हो आप अभी सुन सकते हो, मैंने कुछ म्यूट व्यूट नहीं किया है, आपको मेरी फुटस्टेप की आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है, ये ग्लिच। अभी मैंने हाई टॉस करा तो अब वापस आवाज़ आने लगी। अभी देखो अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। अब मैं फिर से इसको एक बार लो टॉस करूँगा तो आप सुनना, फिर से आवाज़ चली जाएगी, ये गई फिर से आवाज़, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये मॉली से ही करना, नेड से करोगे और आपका अगर ध्यान नहीं रहा तो आपके साथ होने वाला है ये चीज़, ये नहात में चलेगा। अब ये तो ट्रेनिंग मोड था तो कुछ नहीं हुआ, तो आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है आपके साथ। तो गाइज़ ये कुछ 10 टिप्स थी जो मुझे लगता है कि काफ़ी और लोगों को पता चलनी चाहिए, जो मैंने कहीं ना कहीं शायद देखी है या कुछ चीज़ें खुद से मेरे एक्सपीरियंस से आई है मेरे पास। तो गाइज अगर इसमें से एक भी टिप आपको नई पता चली है जो आप सोचते हो कि आपका गेम प्ले इम्प्रूव कर सकती है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने क्लैन वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार, काफ़ी लोग का भला हो जाएगा ये वीडियो देख के, मेरा भी भला आपका भी भला, विन विन सिचुएशन है। चलो थैंक यू। Can you hear them scream?